तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग फाइबोनैकी सीरीज को फाइंड करने का एक नया और अनोखा तरीका देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो तरीका फाइबोनैकी सीरीज को फाइंड करने का देखा है, उसमें हम फर्स्ट टू टर्म्स को फ्रीज कर लेते हैं एंड देन उसके बाद आइटरेटिवली फाइंड करते हैं कि नेक्स्ट टर्म्स कौन से हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे nth टर्म फाइंड करना है तो हम ऐसे कहते हैं कि fn इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द प्रीवियस टू टर्म्स, fn-1 प्लस fn-2। अगर आपको 10th टर्म फाइंड करना है तो आप क्या करोगे कि सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स सभी टर्म्स को एक एक करके फाइंड करोगे एंड देन आपको 10th टर्म मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है तो ऑर्डर ऑफ n एफर्ट लगेगा जिससे कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और तरीका है कि हम रिकर्सिवली इसको फाइंड कर सकते हैं। आपने मेरे रिकर्शन के थ्रू फाइबोनैकी सीरीज को फाइंड करने का तरीका आपने जरूर देखा होगा, जिसमें हमने अगर nth टर्म फाइंड करना था तो हम रिटर्न करते थे फाइबोनैकी n-1 प्लस फाइबोनैकी n-2। फाइन, इस केस में आपने देखा था कि एक रिकर्शन ट्री बन जाता है और बहुत सारी रिकर्सिव कॉल्स रिपीटेडली हम कॉल करते रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि रिडंडेंट कॉल्स होती हैं, जिस रीजन से इस कॉन्सेप्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो ऑर्डर ऑफ 2^n हो जाती है, जो कि काफी हाई है। इसको सेव करने के लिए और लीनियर टाइम में फिर से वापस लाने के लिए इसको हम डीएटी का यूज करके या डायरेक्ट एड्रेस टेबल का यूज करके हम फाइबोनैकी टर्म फाइंड कर सकते हैं, जिसमें अगर आपने प्रीवियस टर्म पहले से फाइंड ही कर लिया है तो आप उसको एक टेबल में स्टोर कर दीजिए और वो टेबल डीएटी कहलाती थी हमारी और n+1 साइज इसकी होती थी, जिसमें हमने सारी वैल्यूज को जीरो सेट कर दिया था और उसके बाद फिर जैसे जैसे हम टर्म फाइंड करते थे उसको इस टेबल में स्टोर करते चलते थे और नेक्स्ट कॉल को जब जरूरत पड़ती थी तो हम इसी टेबल को रेफर करके प्रीवियस कॉल की वैल्यूज को फाइंड कर लेते थे। तो ये जो मेथड था वो हमारा एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड मेथड था, जिसमें हमने रिकर्शन और प्लस डीपी डायरेक्ट एड्रेस टेबल का यूज किया, मेमोजेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया, इसीलिए डीपी टाइप की हमारी एक सोल्यूशन हो गया और इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी थी वो ऑर्डर ऑफ एन थी बट एट द कॉस्ट ऑफ n+1 एक्स्ट्रा स्पेस। नाउ एक तरीका हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने ये कहा कि हमने फाइबोनैकी टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट किया है fn+1 fn, यहाँ पे fn और यहाँ पे fn-1। तो अगर मुझे फाइबोनैकी टर्म nth मुझे nth टर्म अगर फाइंड करना है या मैंने अगर कॉल किया है तो ये वाला टर्म अगर आप वापस कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि हमने इनिशियलाइज कर लिया, हमारी जो पहली मैट्रिक्स है वो ऐसी है 1 1 1 n 0, और इसको अगर हम इससे रिलेट करें तो ये वाला जो पार्ट है वो f2 है, ये वाला पार्ट f1 है, ये वाला पार्ट f1 है और ये वाला पार्ट f0 है। तो अगर आपको मान लीजिए कि आपको सेकेंड टर्म अगर फाइंड करना है तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए आपको मैट्रिक्स ऐसे ही लिखनी है और ये इस मैट्रिक्स में ये वाला जो पार्ट है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू योर f2। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको f3 फाइंड करना है तो f3 फाइंड करने के लिए आप एक काम करो कि इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 1 1 एंड 1। फाइन, यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फाइबोनैकी सीरीज का जीरोथ टर्म 0 है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो सेकेंड टर्म भी 1 होगा 0+1 से और जो थर्ड टर्म होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1+1 से 2। तो जो आपने थर्ड टर्म फाइंड किया उसके लिए आपने इस मैट्रिक्स को अपने से ही मल्टीप्लाई कर लिया और आपको ये वाला टर्म मिल गया, यही टर्म आपका सेकेंड टर्म होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ये मान लिया कि ये मैट्रिक्स हमारी एफ मैट्रिक्स है और इसी एफ मैट्रिक्स को अपने आप से मल्टीप्लाई कर लिया तो आप कहेंगे कि दिस इज इक्वल्स टू f2। तो अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है, मतलब कि फाइबोनैकी सीरीज का थर्ड टर्म को फाइंड करने के लिए आप f2 फाइंड कीजिए और f2 जो मैट्रिक्स है उसके 0 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू आपकी है वही आपका आंसर होगा। इसी तरह से मान लीजिए कि आपको फाइबोनैकी सीरीज का फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए आप अगेन 1 1
और 1 0 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो द मैट्रिक्स व्हाट वी विल गेट विल बी 2 + 1 3 यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन 2 यहाँ आ जाएगा, एंड देन 2 यहाँ आ जाएगा, एंड 1 यहाँ आ जाएगा. सो दिस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटिंग, और इस मैट्रिक्स में 0 0 इंडेक्स वाले जो वैल्यू आपकी है, यही आपका फोर्थ टर्म होगा फिबोनाची सीरीज का. अगर आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो एक बार फिर से आप इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो दिस विल बी 3 + 2 5, एंड दिस विल बी 3, दिस विल ऑल्सो बी 3, एंड दिस विल बी 2. सो यहाँ पे जो फिफ्थ टर्म है वो आपका 0 0 इंडेक्स पे जो पड़ी हुई वैल्यू है वही आपका फिफ्थ टर्म है. इसका मतलब क्या है कि जीरो, जब आपको फिबोनाची सीरीज का टर्म नंबर 5 फाइंड करना है, तो एक्चुअली आपको एफ मैट्रिक्स जो आपकी है उसको पावर करना है 4 टाइम्स, एफ रेज टू द पावर 4. तो अगर आप लिटरली इसको देखें कि जिस तरह से हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करते करते फाइंड कर रहे हैं वैल्यूज या पावर हम फाइंड कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आपको nth टर्म फाइंड करना होगा फिबोनाची सीरीज का, तो उस केस में आपको एफ रेज टू द पावर n-1 कैलकुलेट करना होगा. और यहाँ के हिसाब से ये n-1 टाइम मल्टीप्लीकेशन करेगा. सो n-1 टाइम जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो फिर से लीनियर टाइम में होने लगा, मतलब कि ऑर्डर ऑफ n टाइम में हमारा होगा. तो इसको हम जो है ऑर्डर ऑफ n टाइम, हालांकि थोड़ा सा और एनालिसिस अगर करके देखें, आपको ऐसा लगता होगा कि जो मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं वो n³ टाइम में होता है मैट्रिक्स का, लेकिन यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट टाइम इसलिए मान रहे हैं मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स 2 × 2 साइज की है, और 2 × 2 साइज की मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेंगे वो 4 लगेंगे, 8 लगेंगे इनफैक्ट, 2 2 2 एंड 2, तो 8 मल्टीप्लीकेशन टोटल लगेंगे, और 8 को हम कॉन्स्टेंट वैल्यू मान रहे हैं यहाँ पे. तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन मल्टीप्लीकेशन हमें करने पड़े और इसके बाद हमें आंसर मिला. लेकिन एक और नायाब तरीका है जिससे कि आप पावर फाइंड कर सकते हैं, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस सेशंस में. आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं जिसको हमने बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था. इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको ए रेज टू द पावर 8 कैलकुलेट करना है, तो आप सबसे पहले ए पावर 4 फाइंड कर लीजिए और इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दीजिएगा. सिमिलरली अगर आपको ए पावर 4 फाइंड करना है, सो ए पावर 4 को फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको यही आंसर प्रोड्यूस कर देगा. सिमिलरली ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए ए पावर 1 और ए पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको. इसमें जो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन हमारे होते हैं उस केस में 3 मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि टोटल ए पावर एन हमें कैलकुलेट करना है, सो लॉग एन मल्टीप्लीकेशन की हमें जरूरत पड़ेगी. सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, और उससे हम लॉग एन मल्टीप्लीकेशन में अपना पावर फाइंड कर लेंगे, जिससे कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो फिबोनाची सीरीज हम फाइंड कर रहे हैं वो लॉग एन टाइम में हमने फाइंड कर लिया. और इस केस में मुझे जो स्पेस की रिक्वायरमेंट हुई, जो डीएटी के स्पेस की रिक्वायरमेंट हो रही थी, वो भी यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप मल्टीप्लीकेशन फाइंड करते चलेंगे वो जो स्पेस है वो डीएलोकेट होता चलेगा. तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और एक और रिकॉल कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि मुझे ए पावर 8 की जगह ए पावर 9 अगर कैलकुलेट करना था, तो हमने n/2 से ए पावर 4 फाइंड किया. चूंकि ये जो 9 है जो पावर हमें फाइंड करना है वो ऑड है, इसलिए ए पावर 4 को ए पावर 4 के साथ तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं, साथ में एक ए से भी इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जिससे कि ए पावर 9 इक्वल हो जाए. इवन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि ए पावर 4 जब कैलकुलेट करना है तो ये ए स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जब ऑड आएगा तो हमें एक बार फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओरिजिनल मैट्रिक्स से या ओरिजिनल नंबर से. तो आइए इसको हम कोड करने की कोशिश करते हैं. कोड करने के लिए मान लेते हैं कि हमें एक FIB फंक्शन है जिसमें कि nth फिबोनाची टर्म फाइंड करना है. इसके लिए हमने एक F22 मैट्रिक्स मान लिया है, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 1 1 1 0 हैं. तो इसको आप तो ऐसे भी मान सकते हैं कि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं और ये सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, बात एक ही है दोनों, कहने का दोनों का मतलब यही है कि हम एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Now, अगर n की वैल्यू 0 है तो आप ऑब्वियसली बात है कि 0 टर्म 0 ही होगा, इसलिए आप रिटर्न 0 कर रहे हैं. अदरवाइज nth टर्म को फाइंड करने के लिए आपको पावर n-1 कैलकुलेट करना है. हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया है कि अगर आपको F5 फाइंड करना है तो उस केस में आपको पावर 4 करना पड़ेगा. फिर इसके बाद जो भी F00 की वैल्यू होगी,
मैट्रिक्स में वही आपका आंसर होगा, जीरो थ्रू वन, जीरो कॉलम की वैल्यू। तो हम पहले देखते हैं कि पावर हमने कैसे फाइंड किया। दिस इज द पावर वाला पार्ट, जिसमें कि हमें एक मैट्रिक्स एफ गिवन है और इसका रेज टू द पावर एन कैलकुलेट करना है। हम ऐसा मान रहे हैं कि जो आंसर हम फाइंड कर रहे हैं वो एफ में ही स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए हमने रिटर्न नहीं किया है यहाँ पे कुछ। तो अगर हमें एन की वैल्यू जीरो गिवन है तो, या एन की वैल्यू वन गिवन है, तो हम पावर कैलकुलेट नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए कि एन की वैल्यू अगर जीरो गिवन है तो हमने फिबोनाची सीरीज से ऑलरेडी जीरो रिटर्न किया था, और अगर एन की वैल्यू वन पास हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि एफ जीरो जीरो जो वैल्यू होगी हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स की, वही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब कि वन हमारा आंसर होगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि एक एम ले लेते हैं, और वो एम इज इक्वल सॉरी एक पावर एम को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ रेस टू द पावर एन बाई टू, और आंसर एफ रेस टू द पावर एन बाई टू का एफ में ही आएगा। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एफ रेस टू द पावर वन एन बाई टू का एफ रेस टू द पावर एन बाई टू से। इसका मीनिंग ये है कि अगर मान लीजिए कि मुझे ए रेस टू द पावर एट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ए रेस टू द पावर फोर फाइंड किया और उसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर ये ए पावर नाइन होता तो उस केस में ए पावर फोर से तो मल्टीप्लाई होता ही, साथ ही साथ ये एक ए से भी मल्टीप्लीकेशन होता। इसीलिए हमने एक एम मैट्रिक्स, सेम वही मैट्रिक्स जो एफ वाली मैट्रिक्स थी, वैसी ही इनिशियलाइज मैट्रिक्स से हमने एम ले लिया, और जो ए पावर एट हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है उसमें एक एम का मल्टीप्लीकेशन अलग से कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया और ए उसमें अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एन मॉडुलस टू जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑड है, तो जो हमने ए रेस टू द पावर एट फाइंड किया था उसमें एक ए का और मल्टीप्लीकेशन करके ए रेस टू द पावर नाइन फाइंड कर लेते हैं। ये केवल मेरे समझाने का तरीका है। यहाँ पे हम एफ को एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ जब पावर हमने ऑलरेडी बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन से फाइंड कर लिया, तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पे जाते हैं, और ये देखिए कि ये मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन है। इस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फंक्शन में दो मैट्रिसेस पास हैं। ये जो दो मैट्रिसेस हैं वो एफ और एम मैट्रिक्स है, और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर हम एफ मैट्रिक्स में ही स्टोर करते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारी एफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये मेरी एम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला पार्ट होगा जीरो जीरो, ये पार्ट होगा जीरो वन, ये वन जीरो एंड वन वन, ये इंडेक्सेस हैं एफ मैट्रिक्स के। सिमिलरली एम मैट्रिक्स के क्या होंगे, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। इन दोनों मैट्रिसेस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा वो इन दोनों के साथ जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमें जो फाइनल मैट्रिक्स या आंसर मैट्रिक्स है उसका ये वाला पार्ट मिलेगा। सो व्हाट विल दिस बी, जीरो जीरो मल्टीप्लाइड विद जीरो जीरो प्लस जीरो वन मल्टीप्लाइड विद वन जीरो। तो ये एफ मैट्रिक्स और एम मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जीरो जीरो हमारी एफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो जीरो एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एफ मैट्रिक्स और ये एम मैट्रिक्स। सिमिलरली जब हम ये वाला पार्ट फाइंड करेंगे, सो दिस विल बी जीरो जीरो इंटू जीरो वन प्लस जीरो वन इंटू वन वन। फाइन, सो ये एफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम को, ये एफ को और ये एम को। सिमिलरली जब मुझे ये वाला पार्ट फाइंड करना है या ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स का, सो हम इस वाले पार्ट का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे। सो दिस विल बी वन जीरो मल्टीप्लाइड विथ जीरो जीरो प्लस वन जीरो सॉरी वन वन मल्टीप्लाइड विथ वन जीरो। तो ये एफ पार्ट, ये एम पार्ट, ये एफ वाला पार्ट और ये एम वाला पार्ट। देन ये वाला पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, दिस पार्ट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दी दिस रो विथ दिस कॉलम। सो दिस विल बी इक्वल्स टू वन जीरो इंटू जीरो वन प्लस वन वन इंटू वन वन। ये एफ मैट्रिक्स, ये एम मैट्रिक्स, ये एफ मैट्रिक्स और ये एम मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, ये जो हमने फाइंड किया इसको ए मान लिया, ये जो हमने फाइंड किया इसको बी मान लिया, ये जो हमने फाइंड किया इसको सी मान लिया, और ये जो हमने फाइंड किया इसको डी मान लिया। तो आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी हमने इसी तरीके से फाइंड कर लिया है, और उसके बाद चूंकि एफ मैट्रिक्स में मुझे आंसर स्टोर करना है, तो एफ मैट्रिक्स जो हमारी है उसमें ए बी सी डी इस तरह से आंसर स्टोर कर दिया। एफ जीरो जीरो इक्वल्स टू ए, एफ जीरो वन इज इक्वल्स टू बी,
F10 इज इक्वल टू सी एंड F11 इज इक्वल टू डी। तो इस तरह से हमने ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर लिया है। नाउ हैविंग डन ऑल दीज थिंग्स, लेट मी इरेज ऑल दिस ए नोटेशंस। आइए इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं मेन से। तो मेन से जब हमने इसको कॉल किया तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म, देन सेकंड, एंड सो ऑन सो फोर्थ हमने 10 टर्म्स के लिए कॉल किया है। तो रन करके देखते हैं। सो यस, यू कैन सी दैट ये हमें जो टर्म्स से मिल रहे हैं 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 एंड 55 है। आप चाहें तो F0 को भी कॉल करके 0 टर्म भी देख सकते हैं। आइए वो भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे माना गया है कि 0 टर्म हमारा 0 है और फर्स्ट टर्म हमारा 1 है। यस यू कैन सी दैट कि जो 0 टर्म है वो 0 प्रिंट हो रहा है। सो इस तरह से हमने एक नया तरीका देखा जिससे कि हम लॉग एंड टाइम में अपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। इसको आप यूटिलाइज अगर करना चाहें तो एक फाइबोनैकी फाइंडिंग नाम की एक प्रॉब्लम है हैकर रैंक मैथमेटिक्स की। आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके फाइबोनैकी टर्म फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यू है या जो इनिशियल टर्म्स हैं वो 0 और 1 ना होके ए भी यहाँ पर डिफाइंड है जिनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो आई होप इस प्रॉब्लम को आप अपने से सॉल्व करने का जरूर प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।